झारखंड समेत देश भर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर 15 से 22 नवंबर तक देश भर में आयोजित होने वाले समारोहों का नेतृत्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलिहाती गांव से करेंगी। ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी कि राष्ट्रीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पावन भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति का आगमन। 15 नवंबर को राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। खूंटी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित समारोह में वो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी, साथ ही कई एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगी। इस दौरान महामहिम महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगी। क्योंकि यह एक कर्मस्थली भी रही है और भगवान बिरसा मुंडा की और अन्य जनजाति लोगों को भी स्वतंत्रता संग्राम में और उसके पहले भी लेकर के, तो जो जो प्लेसेज हैं जो कि रिमार्केबली हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं वहाँ को उसको सर्किट के रूप में जोड़ा जा सकता है। देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जनजातीय बाहुल यह जिला शहर से लेकर गाँव तक सज धज कर तैयार है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी आगमन की खबर से खासे खुश हैं। सब बन के आ रही है उलिहातू, तो उम्मीद लगता है कि कुछ यहाँ का काम होगा। 15 नवंबर को ही 22 साल पहले झारखंड पृथक राज्य का गठन हुआ था। इस बार राज्य स्थापना दिवस भी यादगार होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस समारोह में राज्यवासियों को कई सौगात देंगी। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम चाकचौबंद रहे, इसको लेकर के रांची पुलिस पूरी तरीके से सजग है, लगातार एंटी क्राइम चेकिंग भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से गहरा लगाव रहा है तथा वो लंबे समय तक यहां की राज्यपाल भी रही हैं। अब बतौर राष्ट्रपति झारखंड की यह उनकी पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है और इस दौरान वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगी और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार।